तो स्मूथनिंग करते समय आप लोग के आयनिंग का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो आप लोग के हेयर्स के अकॉर्डिंग आप लोग के आयनिंग का टेम्परेचर होना चाहिए। आयनिंग कौन सा होना चाहिए वो भी हम लोग बात करेंगे, और आयनिंग करने का कितना ज्यादा रोल है हमारे इस आयनिंग के यानी कि ये स्मूथनिंग के हमारे प्रोसीजर में, सारा कुछ दोस्तों एकदम डिटेल में देखेंगे कि रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और हमारा जो स्ट्रेटनिंग है, इन तीनों प्रोसीजर में हमारा आयनिंग किस तरह से करना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल रोहित हेयर कट ट्यूटोरियल में। और जैसे कि आप लोग को पता है कि स्मूथनिंग से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा डिटेल में वीडियो लेकर आ रहे हैं। एक एक जो हम लोग काम करते हैं स्मूथनिंग करते समय, जो वर्क करते हैं, एक एक चीज को मैं बहुत ही डिटेल में सारी वीडियोस लेकर आ रहा हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जरूर जाकर देखना। हमने पूरा डिटेल में बात किया है कि स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग या रिबॉन्डिंग करते समय हमें किस तरह से क्लाइंट से कंसल्टेशन करना है, देन उसके बाद में हमें किस तरह से डिसाइड करना है कि हमारे क्लाइंट पर स्मूथनिंग बेटर रहेगा, रिबॉन्डिंग बेटर रहेगा या फिर रिलैक्सिंग, ये सारी चीजें बेस्ट रहेगा। ये सारी चीजें आप लोगों को कंसल्टेशन में ही पता चलेगा, और आप लोग को इन तीनों चीजों में क्या डिफरेंट है इसके ऊपर भी हमने वीडियोस लाई है। और उसके बाद में हमारा जो प्रोडक्ट नॉलेज है उस पर भी हमारा बात हो चुका है, और फिर हमने बात किया फर्स्ट क्रीम किस तरह से हमारे हेयर पर वर्क करता है और अप्लीकेशन किस तरह से करना है, ये सारी चीजें हमने पूरा क्लियर कर लिया है। ये सारी वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर देखना। अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि दोस्तों काफी नॉलेजफुल वीडियो होता है और काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलिए आज हम जैसे कि आयनिंग से रिलेटेड पूरा टॉपिक्स लेकर आए हैं कि स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग करते समय हमें आयनिंग का टेम्परेचर हमारे हेयर्स के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमारा आयनिंग। जी हाँ दोस्तों, आयनिंग बहुत ही ज्यादा इसका रोल है हमारे इन तीनों ट्रीटमेंट में, क्योंकि दोस्तों अगर प्रॉपर तरीके का आयनिंग आपके पास नहीं होगा और आयनिंग अच्छी तरीके से नहीं होगी होगी तो आप लोग को ये एक शाइन लुक, एक स्ट्रेट लुक और एक जैसे कि मैनेजेबल हेयर चाहिए वो लुक नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारी आयनिंग कैसी होनी चाहिए। बहुत लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि सर आयनिंग कौन सा ले, कौन सा ले, कौन सा प्लेट ले, हमारा प्लेट कैसा होना चाहिए। तो मैं आप लोग को बता दूं कि सिरामिक टाइप का स्टील जो आता है, सिरामिक प्रो टिटेनियम सिरामिक का जो हमारा प्लेट्स आता है, वो प्लेट्स वाले आप लोग को आयनिंग लेना है। तो अगर मैं आप लोग को बताऊं कि मैं जो यूज करता हूँ, तो मैं यूज करता हूँ हमारा आइकोनिक का। आइकोनिक में आता है सबसे, आप लोग ने देखा होगा कि मैं बहुत बार आप लोग को वीडियोस में भी दिखाता हूँ, आइकोनिक में आता है प्रो टिटेनियम सिरामिक का, बहुत ही बेहतरीन सा शाइन है और एकदम बेस्ट रिजल्ट आता है। और अगर दूसरा और कोई ब्रांड लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, यानी कि वॉल का भी एक ब्रांड आता है, उसमें भी काफी अच्छे आइनिंग आते हैं। बस मैं आप लोग को ये बोलना चाहूंगा कि जो लोकल कंपनियां आती है, अब लोकल कंपनियों में जैसे कि आता है आप लोग घर पे यूज करते हो, फिलिप्स यूज करते हो, वेगा यूज कर सकते हो, पैनासोनिक वगैरह जो भी ये सारी चीजें आती है, ये छोटे मोटे आप लोग आइनिंग को आप लोग अपने सलून में यूज मत करिए, क्योंकि उसका रिजल्ट आप लोग को नहीं आएगा। होम केयर के लिए आप लोग यूज कर रहे हो ठीक है, लेकिन ये स्मूथनिंग के लिए अगर आप लोग यूज करोगे तो इसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला। और अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप लोग का जो आइनिंग मशीन है वो भी एकदम बेस्ट होना चाहिए। तो आप लोग को मैं ब्रांड बता दिया, आइकोनिक ब्रांड का लीजिए, मैं वही यूज करता हूँ। अगर आप लोगों को कोई और ब्रांड लेना चाहिए, अगर उससे भी अच्छा है, आइकोनिक से भी अच्छा है, तो और भी बढ़िया है। लेकिन आप लोग को एक चीज ये ध्यान देना है कि जो आपका स्टील होगा, जो आप यूज कर रहे हो आइनिंग का, वो एक सिरामिक कर का प्लेट होना चाहिए। सिरामिक प्लेट्स जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन सा शाइन देता है। अब हम बात करते हैं कि जो हम लोग आइनिंग का इतना बड़ा रोल क्यों है हमारे स्मूथनिंग। हम लोग जब फर्स्ट क्रीम यूज करते हैं तो फर्स्ट क्रीम हमारा क्या वर्क करता है, जैसे कि मैंने हमने पिछले वाले वीडियो में बात किया कि हमारा जो फर्स्ट क्रीम है वो हमारे हेयर्स के जो क्यूटिकल्स को ओपन करके कोटेक्स में जाकर हमारे जो डी सल्फेट बॉन्ड है उसे ब्रेक कर देता है। ब्रेक यानी कि वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है और वो ना वाटर से ना हीट से किसी से भी ब्रेक नहीं होता। थोड़ा सा हार्ड वाले जो हमारे केमिकल होते हैं, जैसे कि पम्पिंग के केमिकल हम लोग यूज करते हैं पम्पिंग करते समय, कर्ल करते समय, वो वाले केमिकल, या फिर स्मूथनिंग में जैसे कि होता है अमोनिया का थी ग्लाइकोलेट, ये हमारा केमिकल, ये सारे हमारे डी सल्फेट बॉन्ड को ब्रेक कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग और परमानेंट हमारा ये बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक हो जाते हैं तब इसे वॉश करते हैं, अच्छी तरीके से ड्राई करते हैं, और उसके बाद में जब हम इसे आयनिंग करते हैं तो हम आयनिंग से इसे शेप देते हैं। जब इसे हम जिस तरह से शेप देंगे उसी तरह से स्ट्रेट लुक इसे मिलेगा। अब बात करते हैं कि हम जब इसे स्ट्रेट शेप देते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 230, 200, 210, 190, इस तरह से उस पर बना होता है टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर खाली डिजाइन के लिए नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। आप लोग क्या करते हो, हर एक हेयर्स पर 230 लगा दिए एकदम, और फिर करते हो उसके बाद में बोलते हो कि हमने सारा प्रोसीजर सेम किया, प्रॉपर किया, लेकिन हमें रिजल्ट उस तरह नहीं मिला। तो कैसे रिजल्ट मिलेगा, आप लोग ने इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा के, जिस हेयर्स पर इतना ताकत नहीं है कि वो आप लोग का जो टेम्परेचर है आइनिंग का सेप है, आप लोग ने इतना ज्यादा लगाया था, वो ड्राई होना ही है, डैमेज होना ही है, बर्न होना ही है। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ कि कौन से हेयर्स पर कौन सा हमारा आइनिंग का जो टेम्परेचर है वो सेट करे।
तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोग स्मूथनिंग के लिए या फिर रिबॉन्डिंग के लिए या फिर स्ट्रेटनिंग के लिए जो हम लोग स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज करते हैं जिस हेयर्स पर, जैसे कि बहुत ही कर्ली हेयर है, वर्जिन और कर्ली हेयर है, तो उस पर आप लोग स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज करोगे। अगर डाई वाले हेयर हैं या हीना कोटेड हेयर है उस पर भी आप लोग स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज करोगे। जैसे लॉरियल में आप लोग एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस क्रीम यूज करोगे, और शॉस्कॉफ में 0 नंबर, और वेला और स्ट्रिक्स में आप लोग करोगे जो कि आप लोग का आता है इंटेंस, इंटेंस वाला हमारा क्रीम आता है स्मूथनिंग का, वो यूज करोगे, ठीक है। लेकिन उस पर आप लोग जो भी स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज कर रहे हो तो समझ जाइए कि उसका जो हेयर्स का जो क्वालिटी है वो काफी अच्छा है, तो उस पर टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो उस पर हम लोग 230 का टेम्परेचर आप लोग बिंदास रखिए, क्योंकि आप लोग ने पहले डिसाइड कर लिया कि क्रीम जब इतना ज्यादा हमें स्ट्रांग लगेगा तो आइनिंग भी उसे उतना ही स्ट्रांग चाहिए, तो आप लोग को उस तरह से आइनिंग करना है, और आइनिंग का टेम्परेचर जैसे कि मैंने बताया 230 रखना है। अब आगे आते हैं कि अगर आप लोग नॉर्मल क्रीम यूज कर रहे हो तो नॉर्मल क्रीम किस पे हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जो हम लोग नॉर्मल क्रीम यूज करते हैं जो वर्जिन हेयर है लेकिन बहुत ही पतले हैं, थीन हेयर है, उस पे हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल क्रीम। लेकिन नॉर्मल क्रीम यूज कर रहे हैं तो उस पर आप लोग को बस इसी तरह समझ जाना है कि टेम्परेचर भी उस पे नॉर्मली चाहिए, तो उस पे आप लोग 200 से लेकर 210 तक का टेम्परेचर रखिए, और उसे अच्छी तरीके से आप लोग आइनिंग करनी है। मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा आगे कि आइनिंग करते समय आप लोग की आइनिंग का एंगल क्या होना चाहिए, ये भी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा आज के इस आइनिंग के वीडियो में। तो इसे भी आप लोग को 200 से 210 का टेम्परेचर रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे केमिकल वाले हेयर्स, केमिकल वाले हेयर्स जैसे कि बालों में ब्लॉन्डर यूज किया हुआ है, बालों में प्रोफेशनल कलर यूज किए हुए हैं, मैं हीना और डाई की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोफेशनल कलर जैसे कि लॉरियल हो गए, शॉस्कॉफ हो गए, ये प्रोफेशनल कलर यूज किया हुआ, ग्लोबल कलर किया हुआ, ब्लॉन्डर किया हुआ है, या फिर बालों में बहुत ही पहले टचअप वगैरह करते रहते हैं, या फिर बाल जो है वो स्ट्रेट हेयर से हैं और उस पर हम फिर से एक बार वापस से स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, या फिर हेयर बहुत ज्यादा आइनिंग से या फिर ब्लो ड्राई से बहुत ज्यादा वो पतले थीन हो चुके हैं, उस पर हम लोग कौन सा क्रीम यूज करते हैं, माइल्ड क्रीम यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पता है माइल्ड क्रीम यूज करते हैं। क्रीम रखने का जो टाइमिंग है वो तो आपको हमारा प्रोडक्ट नॉलेज का जो वीडियो है उसी में पता चलेगा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आइनिंग की बात बताऊंगा। यहाँ पे आप लोगों को आइनिंग का टेम्परेचर रखना है 180 to 190, इससे ज्यादा आप लोग को टेम्परेचर नहीं रखना है। और हाँ एक बात और बताना चाहूंगा, अगर बालों में बहुत ही ज्यादा सेंसिटाइड है यानी कि बहुत सेंसिटिव हेयर से आप लोग ऐसा लग रहा है कि हेयर्स तो बस समझ लीजिए मैं आइनिंग लगाऊंगा तो टूट जाएगा, तो आप लोगों को सबसे एकदम डाउन वाला जो टेम्परेचर है आपका 140 पर आप लोग को इसे टेम्परेचर पे आप लोग को आइनिंग करना है। आप लोग को हेयर्स के अकॉर्डिंग ही आइनिंग करना है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि माइल्ड में तो बहुत सारे हमारे हेयर्स आ जाते हैं, जैसे ब्लॉन्डर वाले हेयर आ गए, प्रोफेशनल कलर वाले हेयर आ गए, आइनिंग है ब्लोडर से डैमेज वाले हेयर आ गए, पहले स्ट्रेटनिंग किए हुए हेयर से वो वाले हेयर्स आ गए, या फिर बहुत सेंसिटाइज हेयर है उस पे आ गए। सबका टाइमिंग अलग है, किसी पे 15 मिनट हम लोग क्रीम रख रहे हैं माइल्ड क्रीम, किसी पे हम लोग 20 मिनट रख रहे हैं, किसी पे 5 मिनट रख रहे हैं, किसी पे क्रीम लगाते ही वॉश कर दे रहे हैं, किसी पे हम लोग क्रीम बहुत ही समझ लीजिए कि एकदम हल्के से खाली एप्लीकेशन किया और वॉश कर दे रहे, तो उसी हिसाब से आप लोग को आइनिंग का टेम्परेचर भी डिसाइड करना है। जितना टाइम आप लोग क्रीम रख रहे हो उसी टाइम के हिसाब से आपको आइनिंग का टेम्परेचर आप लोग को डाउन करना है। अगर क्रीम ज्यादा रख रहे हो, स्ट्रांग वाला क्रीम रख रहे हो, तो आप लोग का टेम्परेचर भी उसी हिसाब से आपका बढ़ा देना है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग को आइनिंग में ध्यान देनी है। और एक बात, मैं बहुत लोगों का आइनिंग देखता हूँ, बहुत लोग मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट आते हैं जो स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग करा के आते हैं, और उनके हेयर्स मैंने देखा हूँ कि उनके हेयर फॉल होते हैं, उनको लगता है कि उनका स्मूथनिंग से हेयर फॉल होता है, बट स्मूथनिंग से अगर हेयर फॉल होता तो क्लाइंट स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग कराती क्यों। आप लोग में से भी बहुत लोग ऐसे हेयर स्टाइलिश हैं जिनके वजह से हेयर्स खराब हो जाते हैं, या फिर हेयर्स में प्रॉपर आइनिंग नहीं हो पाती है जिसकी वजह से हेयर फॉल होने लगता है। अब इसमें गलती क्या होती है मालूम है, एक तो पहले टेम्परेचर की गलती हो जाती है, टेम्परेचर कितना ज्यादा रखना है कितना कम रखना है ये गलती होती है, और एक जब आप लोग आइनिंग करते हो तो पहला सेक्शन लिए आइनिंग आप लोग एक ही जगह पे प्रेस कर देते हो और खींचते हो, जब वो एक ही जगह पे आप लोग प्रेस करते हो तो उससे क्या होता है वहां पर जो हेयर्स है वो तुरंत उसी जगह पे ब्रेक हो जाता है, आप लोग देखो ऐसे वहां से टर्न हो जाता है और आप लोग फटाफट 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 आइनिंग खींच लेते हैं। लेकिन जैसी 2 महीना 3 महीना बीतता है उनका हेयर जो है जहां पे आप लोग ने आइनिंग एक ही जगह पे प्रेस किया था स्टार्टिंग में लगाते से, वहां से वो ब्रेक होके टूटना स्टार्ट हो जाता है, तब क्लाइंट को लगता है स्मूथनिंग की वजह से हमारा हेयर हेयर फॉल हो रहा है। लेकिन नहीं, वो आइनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं किए, टेम्परेचर प्रॉपर नहीं रखे, प्रेसिंग प्रॉपर नहीं दिए, कहाँ पर ज्यादा प्रेस करना है कम, उस वजह से गलती होगी। तो हमेशा जब आप लोग फर्स्ट टाइम आइनिंग जब सेक्शंस आप लोग लगा रहे हो आइनिंग को, तो आप लोगों को बस हल्के से पहले स्लाइडिंग एकदम लाइटली आप लोग को पहले हेयर्स को बैलेंस बनाने देना है, उसको हीट पूरा कवर करने के लिए बैलेंस बनाना है देना है, जब वो हेयर्स अपना टेम्परेचर को सहने की ताकत बनाए तब आप लोग को प्रेशर लगाते हुए आइनिंग करना है। ये नहीं पहली लगाए और प्रेस कर दिए तो ब्रेक होना ही है,
तो ये सारी गलती आप लोग मत करिए। और अब बात करते कि आयनिंग करने का एंगल क्या होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो हमारा आयनिंग करने का एंगल होता है वो आप लोग 0 डिग्री में भी कर सकते हो या 90 डिग्री में भी कर सकते हो। अब 0 डिग्री में कौन सा हेयर करोगे, अगर लॉन्ग हेयर है एकदम लंबे लंबे हेयर है तो आप लोग अगर 90 डिग्री में करोगे तो उसके छोटे छोटे हेयर जो है नीचे इस तरह से लटक के गिरते हैं, तो उसे आप लोग को 0 डिग्री में करना है, ठीक है। और अगर मीडियम लेंथ है हेयर्स का जो आप लोग देख रहे हो कि प्रॉपर तरीके से जो हमारा हेयर से एक ही साइज में ज्यादा लेयरिंग वाले हेयर्स नहीं है तब आप लोग उसमें 90 डिग्री में कर सकते हो। 90 या 0 डिग्री दोनों इसमें आप लोग कर सकते हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लुक आप लोग का सेम ही आता है। लेकिन अगर लॉन्ग हेयर है तो आप लोग हमेशा 0 डिग्री में ही आइनिंग करने की कोशिश करें। तो आई होप कि आपका सारा क्लियर हो चुका होगा डाउट कि टेम्परेचर कितना रखना है, कौन से हेयर्स पर, और आइनिंग करने का तरीका क्या है, बेस्ट आइनिंग क्या है, और आइनिंग को कितना प्रेस करना है, उसका टेम्परेचर कितना रखना है, और उसको आप लोग को किस तरह से बहुत ही प्रॉपर तरीके का रिजल्ट देना है। तो चलिए आज का आइनिंग का टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जैसे कि आइनिंग के बाद हम कौन सा प्रोसीजर करते हैं आप लोग या तो कमेंट करना, नहीं तो मैं तो वीडियो आप लोग के लिए लाने वाला है, तो मैं भी देखूं आप लोगों को कितना ज्यादा पता चला है कि आइनिंग के बाद में कौन सा प्रोसीजर होता है। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, हमारा 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। आई होप कि आप लोग के प्यार से ये 3 लाख सब्सक्राइबर या तो कंप्लीट हो चुके होंगे या फिर कंप्लीट हो रहे होंगे। मैं वीडियो थोड़ा पहले बना रहा हूँ ताकि आप लोग को एक प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप वीडियोस दे पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।